अब कांग्रेस के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति सिंह गोहिल वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा में बिल पारित हो गया है, दिल्ली सर्विस बिल। काफ़ी विरोध देखने को मिला और आपने कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गृहमंत्री के भाषण के दौरान। देखिए, पहली बात तो ये है कि एंटायर इंडिया इज़ टुगेदर, हमारा जो अलायंस है उसमें 102 वोट हमारे साथ आए हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि वी आर यूनाइटेड, मिलके देश के हित में सब साथ मिलके लड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी आज अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ किए गए, जिस तरह से बिहेवियर थी रूलिंग पार्टी की, देश देख रहा है। आज आप क्या कर रहे हो, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्टियां पावर में आती हैं, पार्टियां पावर से जाती हैं, पर संविधान ने जो कुछ अधिकार दिए हैं वहाँ का हनन नहीं होना चाहिए, वही मुद्दा था। एक फाइट थी सिम्बॉलिक, जो छोटी छोटी पार्टियों को आज दबा के ईडी, सीडी, सीबीआई, इंडिविजुअल्स को जो फोर्स किया है, उसके बावजूद 102 का वोट हमारे फेवर में होना अच्छी बात है। आप इसको पर्याप्त बहुमत मानते हैं अपोजिशन के लिए? नंबर गेम के हिसाब से देखें तो हार हुई है यहाँ पर। देखिए, सवाल ये था, ये कहते थे कि आप बिखर जाओगे, आपके पास नंबर्स नहीं है। हाँ, कहीं स्मॉलर पार्टीज एक दो जो इसकी उम्मीद थी वो नहीं रहे, उनकी अपनी अपनी वजह होती है और ये जिस तरह से सरकार चल रही है यही एक वजह है। अगर देखें इस बिल के पारित होने को लेकर और जिस तरीके से गृहमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर रखा है, कहा है कि कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो पहले नहीं कांग्रेस करना चाहती थी, उदाहरण दिए गए हैं बाकायदा उसको लेकर, और कोई बहुत ऐसा नहीं है जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आपत्तियाँ दर्ज कराई जा रही हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन किया। देखिए, लॉजिकल जिस तरह से बिल पे यानी कानून पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी जगह पॉलिटिकल स्पीच थी। मेंबर्स तो बोलते हैं पर मंत्री को जिस तरह से जवाब देने चाहिए वो नहीं है। और इस बिल की अगर आप राजनीतिक मायने ढूंढें, आप क्या भूमिका देखते हैं आप अपोजिशन की यूनिटी को लेकर, और इस बिल के पारित होने के बावजूद कैसे यूनिटी बनेगी, क्योंकि बड़े सवाल उठाए गए हैं गृहमंत्री की ओर से। ये दिखावा था, जो पार्टियाँ राज्य में एक दूसरे के खिलाफ हैं वो एकजुट हो गई हैं सत्ता के लिए। देखिए, सब पार्टी देश के हित में जब इंडिया बना तो जो कहते थे मैं अकेला सब पे भारी, उनको कितनी पार्टियों को गोदी में जाके बैठना पड़ा, यही दिखाता है इंडिया की ताकत को। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे शक्ति सिंह गोयल जो बता रहे थे बिल पारित होने की बात प्रतिक्रिया दे रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिल जिस तरीके से पारित हुआ है इसको लेकर जोरदार हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।